खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री आवास पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई सवालों का जवाब कल मिल सकता है। अब ये वो कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब मिलेंगे, क्योंकि बाकायदा कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब वो कौन कौन से सवाल जिनके जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मीडिया के सामने देने वाले हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या वाकई में अगर इस हायरकी को समझें, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, पहले कैबिनेट की बैठक, फिर मंत्रिपरिषद की बैठक और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ इशारा आप दे सकती हैं क्या होगा? मैं साफ साफ बात करूं विजेंद्र आपसे, क्योंकि आप भी साफ साफ बात करते हैं। माहौल बार बार खराब होता है कांग्रेस का, एक बार फिर खराब हुआ जहां पर योजनाओं की बात थी। देखिए आज एक वीडियो आया, एक तरफ अनशन हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अशोक गहलोत की लेकिन वो नहीं हुई। रंधावा आज आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। इसके पीछे एक ही वजह है, आलाकमान सीधा टकरार नहीं चाहते थे। शायद अभी भी आलाकमान नहीं चाहते थे कि रंधावा जब एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद मीडिया जब सवाल पूछेगी तो वो कुछ ऐसा ना बोल जाए जिसकी वजह से बात बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रयास होगा मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और रंधावा तीनों मिलकर बैठकर बातचीत करने वाले हैं। जहां तक अशोक गहलोत की बात है, अशोक गहलोत का एक सिंगल टारगेट अब यह बचा है कि चाहे पक्ष गाली दे या विपक्ष गाली दे, चाहे पक्ष पत्थर फेंके या विपक्ष पत्थर फेंके, मेरा जो कर्तव्य है कि मैं जनता के हित वाले जो योजनाएं हैं उनको लागू करा पाऊं, उनका काम कर पाऊं, जनहित की सेवा कर पाऊं, वह करता रहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, संभवतः मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज मामला गर्म है, पत्रकार सवाल पूछेंगे, कोई ऐसी बात निकल गई तो बवाल हो जाएगा। यही वजह है कि कल दोपहर में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये योजनाओं को लेकर, उनके लागू करने को लेकर और ये इसी को लेकर हो रही है। लेकिन सवाल तो कल भी पूछे जाएंगे और कल रंधावा भी आ रहे हैं। लेकिन साफ साफ, और आपने कहा कि क्या लग रहा है, देखिए डर तो इस बात का है जो कि होगा नहीं, लेकिन अब क्या है, विधायक मंत्री नेता आपस में खुशपुसाहट कर रहे हैं कि यार कल की कैबिनेट में एक ये भी सूचना मिली थी कि कोई इस्तीफे तो नहीं ले रहे, हालांकि हमारे सोर्स मना कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की खुशपुसाहट है। विधायक नेता मंत्री सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और बड़ा होने वाला है। उधर दिल्ली के गलियारों में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने तय कर लिया है कि अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिया जाएगा, लेकिन यह पटाक्षेप तब होगा जब सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ के बात करेंगे। फिलहाल कल दो बड़े इवेंट्स, रंधावा आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कैबिनेट की बैठक भी है। जी, खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।